हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर। ये रिपोर्ट आपके GS2 के सिलेबस का पार्ट है दैट टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। विल डिस्कस इन डिटेल कि ये रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट की थीम क्या है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रिपोर्ट। इसके अंदर हम कुछ इंडेक्सेस कवर करेंगे जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। वी विल ऑल्सो डिस्कस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सो ऑल दीज इंडेक्सेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन। आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं अपने सोशल इशूज़ के एग्जामिनेशन में, विच इज़ योर GS1 एग्जामिनेशन, राइट। इसके साथ ही साथ आप इसको अपने एसे में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दे आर डाटाज इन दिस प्रेजेंटेशन दैट यू कैन यूज़ योर मेन्स एग्जामिनेशन। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। सो फर्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये पब्लिश करता है UNDP अलॉन्ग विद इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर पब्लिशेस दिस रिपोर्ट। इंडिया वॉज रैंक्ड 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज, राइट, इन द ईयर 2019, विच हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम वन पोजिशन। 130th वॉज इट्स पोजिशन इन द ईयर 2018। कुछ अदर इंडेसेस इस रिपोर्ट के पार्ट हैं जैसे कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वी विल डिस्कस दीज इंडेक्सेस इन डिटेल लेटर। सो द फोकस ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ ऑन इनइक्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी की वजह से क्या अफेक्ट हो सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। दैट इज द फोकस ऑफ दिस रिपोर्ट। सो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन द ईयर 1990 बाय पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड इंडियन नोबेल लॉरेट अमृत्या सेन। इसके अंदर कुछ ब्रॉडली 13 डायमेंशन हैं जो ये रिपोर्ट कवर करती है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, एजुकेशन, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जेंडर, हेल्थ, ह्यूमन सिक्योरिटी, इनकम इनइक्वालिटी, मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन, सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज, वर्क, एम्प्लॉयमेंट एंड वल्नरेबिलिटी। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन दिस रिपोर्ट। वी हैव अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ 2019, 2020 की रिपोर्ट 2021 में रिलीज होगी। वी विल कवर इन आर करंट अफेयर सीरीज दैट वेन एवर दैट कम्स। सो नेक्स्ट इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, राइट। इट हैज़ फॉलोइंग 3 डायमेंशंस। वन इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकेंड इज नॉलेज, थर्ड इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो इन तीनों को मेजर किया जाएगा टू कम अप विद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो हेल्दी लाइफ इज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, राइट। योर इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट, योर मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट, ऑल दिस कवर्स योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नॉलेज इज मेजर्ड बाय एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, राइट। सो नॉलेज को कैसे मेजर किया जाएगा कि आपके ड्रॉप आउट्स के क्या लेवल हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे ड्रॉप आउट कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूलिंग सिस्टम के अंदर एंटर करें, सो दैट वी हैव अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विच इज़ मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज होगा लोगों का, कि उनकी इनकम राइज करें, इनकम राइज करेंगी, इनकम इनक्वालिटी डिक्रीज करेगी, तो उसी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता रहेगा। पीपल विल स्पेंड देयर मनी ऑन मोर अपॉर्चुनिटीज, राइट, जैसे कि एजुकेशन एंड डेवलपिंग देयर स्किल्स एट्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रिपोर्ट। सो बेसिकली दिस फोकस इज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच दैट एंटेल्स पीपल एंड देयर अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसेस। ऑब्जेक्टिव्स इस रिपोर्ट के क्या हैं? वन इज एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस एंड फ्रीडम ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। लोग अपने चॉइसेस एंड फ्रीडम के ऊपर कैसे फोकस करते हैं, इस चीज़ को अप्रोच किया जाता है इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू इनोवेटिव आइडियाज दैट कंसर्न्स ह्यूमन डेवलपमेंट। न्यू टेक्नोलॉजी इज देयर, न्यू स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी यू नो होम स्कूलिंग और नॉट, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट इज एडवोकेशन ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिसी चेंजेस, चैलेंजिंग दी पॉलिसीज एंड अप्रोचेज दैट हिंडर ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, तो इस चीज़ को क्लोज करने के लिए, इस जेंडर गैप को क्लोज करने के लिए क्या हमारे पास स्कीम्स हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट, सच स्कीम्स आर देयर फॉर इंडिया। सो दैट इज़ इन द डिस्कशन इन दिस रिपोर्ट। टॉप परफॉर्मर्स कौन है
2019 में. वेल दे आर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड. दे आर एट द टॉप थ्री पोजिशंस. जर्मनी इज एट द फोर्थ पोजिशन अलॉन्ग विद हांगकॉन्ग. ऑस्ट्रेलिया इज एट द फिफ्थ पोजिशन. इंडिया के नेबर्स की अगर बात की जाए तो श्रीलंका इज एट 71, चाइना इज एट 85. दे आर एट हायर स्केल. वेरास भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दे आर एट लोअर रैंक्स. अफगानिस्तान इज एट द लीस्ट रैंक. अगर हम रीजन वाइज परफॉर्मेंस को टैली करें तो देयर विल बी साउथ एशिया विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस. इट इज विटनेसिंग अराउंड 46% ग्रोथ. सो साउथ एशिया इज ग्रोइंग फास्टेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस. इट इज एट 46% ग्रोथ, फॉलोड बाय ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक विच इज एट 43% ऑफ ग्रोथ. नेक्स्ट इज इंडिया की परफॉर्मेंस को अगर हम जज करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो वैल्यू है इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम बाय 50% फ्रॉम 0.431 टू 0.647, जो कि दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज से अबव एवरेज है. इट इज़ अबाउट 0.642, राइट, विच इज मोर देन एवरेज फॉर द इंडिया. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इंक्रीजिंग फॉर आर कंट्री. India in between the years 1990 and 2018, life expectancy at birth increased by 11.6 years, mean years of schooling increased by 3.5 years, and expected years of schooling increased by 4.7 years. So overall, jo there has been increase in life expectancy, schooling mein increase aaya hai, jo per capita income hai, it has rose over by 250%. So overall, humara human development index rise kiya hai, right? Next is inequality adjusted human development. Well, it denotes that percentage loss in human development due to inequality. Inequality ka kya effect hota hai human development index ke upar. India ki jo position hai, it is good for the, it has risen, right? Ek level se humari position rise ki hai. Lekin jo inequality index hai, uske andar humara score hai 0.477, which has risen from 0.468. So it means that कि हम लोग को इनइक्वालिटी पे काम करना पड़ेगा. जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इट मेजर्स डिस्पैरिटी ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय जेंडर. जेंडर की वजह से क्या डिस्पैरिटीज आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर. इंडिया इज ओनली मार्जिनली बेटर देन अदर साउथ एशियन एवरेज ऑन जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट. इट इज अबाउट 0.828. नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इट कंप्राइजेज ऑफ composite measure of gender inequality which uses three dimension. One is reproductive health, right, your maternal mortality rate. For that we have schemes like Janani Suraksha Yojana, right. There is empowerment, women empowerment in education as well as in political environment, right. Politically women ka empowerment kitna hai. Saath hi saath there is women participation in the labor market. So next is जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है इंडिया का, इट इज़ 122 आउट ऑफ 162 कंट्रीज. बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज आर चाइना, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार. सो दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन इंडिया. द रिपोर्ट नोटेड दैट ग्रुप बेस्ड इनइक्वालिटीज परसिस्ट स्पेशली अफेक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, गर्ल्स, एंड नो प्लेस इन द वर्ल्ड हैज जेंडर इक्वालिटी. हमारा सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट गोल है नंबर 5, टू अचीव जेंडर इक्वालिटी बाय द ईयर 2030. ये रिपोर्ट कहती है कि इसको अचीव करने में 2002 साल लग जाएंगे हम लोगों को बिकॉज ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव. इट फोकस्ट दैट इट मे टेक 202 ईयर्स टू क्लोज द जेंडर गैप इन इनकम इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. द रिपोर्ट प्रेजेंट्स अ न्यू सोशल नॉर्म इंडेक्स इंडिकेटिंग हाउ प्रेजुडिस एंड सोशल बिलीव्स ऑब्स्ट्रक्ट जेंडर इक्वालिटी, विच शोज दैट ओनली 14% ऑफ वुमेन एंड 10% ऑफ मेन वर्ल्ड वाइड हैव नो जेंडर बायस. द रिपोर्ट highlights that new forms of inequality will manifest in future through climate change and technological transformation. Just as a technological transformation, we have to make sure that our women gets empowered, they are included in STEM, right? Science and technology mein women ka participation ho, so that we can make sure ki technological transformation ke saath hi saath women are skilled enough to participate in it as well, which have otherwise it will have potential to deepen the existing social and economic fault lines. Also we have seen that ki climate change ka jo effect hai wo vulnerable women pe zyada hai, reason being because the conditions like drought, jo women hai they are going for you know pani bharne ke liye lene jana padta hai and all, so women are at
ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट्स में होती हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक वर्क करती हैं. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इट कैप्चर्स दी मल्टी डाइप्रिवेशन दैट पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज फेस इन देयर हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो इन तीन सेक्टर्स में मल्टीपल डेप्रिवेशन पीपल फेस करते हैं. इंडिया अकाउंट्स अबाउट 28% ऑफ 1.3 मल्टी डायमेंशनली पुअर. सो वट आर द हाईलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट फॉर इंडिया? वेल, वन इज इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 26.8% इज ड्यू टू स्टार्क इनइक्वालिटी इन एसेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम. वी हैव टू वर्क ऑन इनइक्वालिटी, राइट, विच इज रिजल्टिंग ड्यू टू lack of access to education, health and income. In India, gender inequality is another big issue which adversely affects human development, which is mainly due to very low economic participation of women in the India. India ranks about 127 of 160 countries on gender inequality index, which reflects gender-based inequalities in reproductive health, empowerment, political and educational and economic activity. नेक्स्ट इज़ योर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड इंडिया पार्ट एंड इंडिया का जो भी रिजल्टिंग इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का फोकस देखा जाए तो इट सेज दैट जो रिडक्शन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में वो देखने को मिला है बिटवीन द ईयर 2005 टू 15. इट विटनेसेस अ शार्प रिडक्शन इन इट्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. द नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर हैज़ फेल मोर देन 271 million. साथ ही साथ देर इज परसिस्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज. The report mentions that different groups perform differently. Jaise ki scheduled caste, tribes and OBCs, they underperform across the human development indicators in comparison to the rest. There is reduction in inequality in basic areas of human development. Through educational convergence among other basic areas, there has been a reduction in inequality. So, another stance is that jo income inequality hai, wo rise ki hai India mein, right? बिटवीन दी पॉवर्टी रिडक्शन रेट जो है वो रिड्यूस हो गया है 1980 से 2016 में अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज. बिटवीन द ईयर 2000 एंड 2018 इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बॉटम 40% इज 53% विच इज टेकन एज बिलो एवरेज. इनकम ग्रोथ ऑफ 40% ऑफ चाइना इज 263%, ब्राजील इट इज 20% एंड रशिया इट इज 121%. द इनकम ग्रोथ ऑफ टॉप 1% हैज़ इंक्रीज इन इंडिया. सो जो बॉटम 40% है उनकी जो इनकम है वो सिर्फ 53% से राइज करी है, वेयर एज जो 1% है उनकी इनकम ज़्यादा राइज करी है. तो इससे इट शोज दैट इनकम इनइक्वालिटी हैज़ राइजन. नेक्स्ट इज वट आर द मेजर्स दैट नीड्स टू बी टेकन. वेल, वी हैव टू फोकस ऑन इनइक्वालिटी. वी आर परफॉर्मिंग बेटर ऑन अदर इंडिकेटर्स जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स का रेट कम हो रहा है, बट वी हैव टू वर्क ऑन इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी. ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द पॉकेट्स ऑफ डिप्राइवेशन दैट आर ड्रैगिंग HDI डाउन दे आर ऑल्सो रिड्यूस्ड. इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन टू इन्श्योर दैट सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ इज देयर एंड इज क्लाइमेट रेजिलियंस which is one factor that constrains the human development index. I hope this helped you to understand this topic in depth. For more such videos, please like, share and subscribe our channel. Thank you.